हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर सर, अमृतसर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हो, हम लोग कंटिन्यू वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज को चला रहे हैं, और जिसमें इससे पहले कि हम उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कवर कर चुके हैं, और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने मतलब नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, न्यू कॉन्टिनेंट लेके आए हैं, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपसे अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, और पहले हम इसका आज हम जो जानेंगे इसमें वर्ल्ड मैपिंग मतलब कि बेसिक इंट्रो जानेंगे, इसका पॉलिटिकल मैपिंग जानेंगे, जिस प्रकार से वो सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने मतलब उसका पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल में उसकी कंट्री कंट्री के बारे में उसकी उसकी कैपिटल कैपिटल के साथ साथ क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सिटी इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन में क्या है, ये सब चीज़ें जानी। और इसके बाद फिर हम ज्योग्राफिकल जब मैप जानेंगे तो उसमें हम रिवर और रिवर माउंटेन प्लेटो और वहाँ के पर्वत पठार ये सब चीज़ें नॉर्मली सब चीज़ों को बेसिकली हम जान लेंगे। यही सीरीज हम लेकर के चल रहे थे और उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अफ्रीका। तो ये देखिए, ये मैप अफ्रीका का मैप है। तो बेसिकली मैं बता दूँ अफ्रीका के बारे में, तो आज मैं बेसिक डिस्कस कर दूँगा अफ्रीका के बारे में। तो यहाँ देखिए, पहले मैं बात करूँगा अगर मैं अफ्रीका की, तो ये है आपका ग्लोब, और अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो ये रहा आपका अफ्रीका। इसमें देखिए, ये यहाँ से जो निकलती है ये आपकी कर्क रेखा, ए आपकी 0 डिग्री और ए आपकी मकर रेखा। ये आपकी क्या है, ए आपकी 0 डिग्री है, मतलब इसको बोलते हैं आप भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और नीचे आपकी है मकर रेखा। मकर रेखा 23/1/2 दक्षिणी देशांतर, और ए आपकी है 23/1/2 उत्तरी अक्षांश, मतलब इसको बोलेंगे आप उत्तरी, इसे बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, इसको आप नाम देते हैं कर्क रेखा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप होना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है, जैसे 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में ऐसा कौन सा महाद्वीप है कि जिसके से होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों लाइन गुजरती हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैंसर, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, और इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन। तो तीनों लाइन इस कॉन्टिनेंट मतलब इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, इसके मध्य से होकर गुजरती हैं। ये विश्व में इकलौता ऐसा महाद्वीप है कि जिससे तीनों रेखाएँ होकर गुजरती हैं। ये देखने तो ये आप पॉइंट बना भी लेना कि तीनों रेखाएँ कर्क मकर और आपकी क्या भूमध्य रेखा, तीनों लाइन इससे होकर के जाती हैं। और एक साथ और जैसे अगर मैं बेसिकली बात करूं इस महाद्वीप की, आपको पता है ये आपका ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल। आपका क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल, और ये वाला जो कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध साउथ पोल। तो ये अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ, इस तरफ आपका ईस्ट हो जाएगा, इस तरफ आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये महाद्वीप की आप लोकेशन देखो, पहले कोई भी चीज़ जानने से पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, उसकी मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है और उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो ज्योग्राफी में पहले भौतिक भूगोल पढ़ा सकता था, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा सकता था, या फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकता था, क्लाइमेटोलॉजी कोई भी ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट करता कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वर्ल्ड मैपिंग क्यों सिखा रहा, क्योंकि पहले आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैपिंग की आ जाए, क्योंकि जब तक आपको मैपिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, आजकल जिस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैपिंग के साथ साथ मैपिंग के तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, साथ साथ मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बार का आप CDS का एग्ज़ाम देखो, हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि
मैं इस बार बहुत मेरे लिए खुशी की भी बात है और बहुत अच्छा भी मेरे स्टूडेंटों को जितने भी मुझसे कंटिन्यू जुड़े ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट और ऑनलाइन के, कि मैंने जो करंट अफेयर की सीरीज़ जो चला रहा हूँ या जिसमें मैंने प्री फैक्ट के लिए CDS NDA को लेकर टारगेट करके चली थी, उसमें जो क्वेश्चन आए उसमें से 12 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन सिर्फ 6 लेक्चर मतलब जो 6 मंथ का करंट अफेयर मैंने बनाया था अप्रैल से सितंबर तक का, उसमें से डायरेक्ट आए। अगर जिस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ पे कोई मजाक कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो आप जाके जो अभी 14 तारीख को जो पेपर हुआ था अभी जस्ट 14 नवंबर को CDS का, उसको आप रख सकते हैं और उससे क्वेश्चन मेरे लेक्चर के कुछ एकदम आप सेम मिला सकते हैं, ये चीज़ आप सेटिस्फेक्शन कर भी सकते हैं। तो देखो इसमें मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका की चर्चा कर रहा, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी है, ये अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है कि जो किसी भी डायरेक्शन में नहीं आता, इसका हम कह सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में कैसा है, मध्य में स्थित है। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये चारों दिशाओं में इसका आकार फैला हुआ है। ये क्वेश्चन सब कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा महाद्वीप है जो विश्व में चारों गोलार्धों में फैला है, मतलब कि दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी, साउथ में भी है, पूर्वी में भी है, पश्चिमी में भी है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो आप इसमें अगर चाहो तो पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं, मैं पॉइंट यहाँ पे आपको बना देता कि अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। अब आपको कहोगे सिर्फ चारों गोलार्ध तो होते नहीं, गोलार्ध तो दो ही होते हैं, उत्तर और दक्षिण। चारों का मतलब पूरब और पश्चिमी, मतलब चारों हिस्सों में फैला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे चारों का मतलब यही लिखा। आप बेसिक समझना, यहाँ पे आप दो पॉइंट भी लिख लेना, क्या अफ्रीका से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, पास होती है तीनों, क्योंकि मैं बता चुका इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इसको बोलते हैं कैंसर, और इसको बोलते हैं आपका कैप्रिकॉन, इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये बेसिक है, अभी मैं बेसिक बेसिक बता रहा आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना था। अब मैं इसको इस वाले हिस्से को मिटा देता हूँ, तो ये आप नोट कर लेना अच्छी तरह से, चीज़ समझ लेना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ, मैप के साथ। ये है अफ्रीका महाद्वीप का आपके सामने मैप। अब इसके चारों तरफ चीज़ें हैं क्या, वो सब हम बेसिक जान लेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं, इस तरफ जो महासागर आएगा ये वाले हिस्से पे, तो इस तरफ जो महासागर है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये वाले हिस्से पे जो आएगा वो आएगा आपका दक्षिणी महासागर। कौन सा, नीचे वाले हिस्से पे दक्षिणी आ जाएगा। अगर इस तरफ बात करूं तो इस तरफ आपका आएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस वाले हिस्से बात करूं तो यहां पे आएगा आपका दक्षिण महासागर, ठीक, दक्षिणी महासागर। एक यहां पे छोड़, यहां पे आप देखना इस वाले पार्ट पे, इसी का पार्ट था एक समय पे, अब तो अलग हो गया, ये आपका है मेडागास्कर। क्या है, मेडागास्कर। पहले आप मैपिंग समझ लीजिए कौन हिस्सा कहाँ है। तो देखिए क्वेश्चन आपको बनता है कि किन किन महासागरों से घिरा हुआ है अफ्रीका। तो अगर मैं पूरब की बात करूं तो पूर्वी हिस्से पे कौन सा है, आपका हिंद महासागर है। अगर मैं पश्चिमी हिस्से की बात करूं तो पश्चिमी हिस्से पे आपका अटलांटिक महासागर है। और यदि मैं साउथ मतलब कि दक्षिणी हिस्से की बात करूंगा तो आपका क्या आएगा, दक्षिणी महासागर। तो ये है आपका। अब मैं इसका और देख लेते हैं, अगर मैं ये आप हमने की वाटर बॉडीज की बात, अगर मैं यहाँ पे लैंड बॉडीज की बात करूं तो यहाँ आप देखना ये जो आपको दिख रहा है ये जो महाद्वीप, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। और ये जो दिख रहा है आपका ये वाला हिस्सा है आपका अरब, ये सॉरी हाँ अरब है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप आएगा,
एशिया, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये दो महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। देखिए इधर इसके उत्तर में दो महाद्वीप है, इधर आपका एशिया महाद्वीप है और ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। ये मैंने जो हिस्सा जो बीच में बनाया हुआ है, ये वाला पार्ट जो मैं बनाया हुआ हूँ, ये वाला जो बीच में, ये वाला ये आपका है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर क्या है, ये सागर है, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब आप देखना इसके साथ साथ क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इस वाले हिस्से पे, ये वाले हिस्से पे, यहाँ पे आपका मिलेगा स्पेन, ये क्या है, यहाँ पे स्पेन देश है जो यूरोप का है, और यहाँ पे मिलेगा आपका फ्रांस, क्या है, फ्रांस, ठीक है। बाकी इटली आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इटली फैला हुआ है, ये वाला हिस्सा, हम इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस हिस्से पे तो यहाँ पे जो कंट्री जुड़ा है तो ये आपका यमन आएगा, क्या आएगा, यमन, और इसके ऊपर ये वाले हिस्से पे, जैसे यमन ये वाले हिस्से पे आ जाएगा, और इसके ऊपर वाले हिस्से पे आएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब। देखो बेसिक आपको यहाँ पे मैपिंग जो जुड़े हुए हैं कंट्री उनकी बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं ये आपको बेसिक जानकारी ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे कि ये भूमध्य सागर है तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर है, जो दोनों को जोड़ता भी है और क्या करता है, अलग भी करता है, तो ये आपका कौन सा है, भूमध्य महासागर है, या भूमध्य सागर, सॉरी महासागर नहीं, भूमध्य सागर है, ये क्या है, मेडिटेरियन सी है। वही हिस्से को मैं बात करूंगा, अगर अब मैं थोड़े से इस हिस्से की बात करूं, ये वाले हिस्से की, देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा इस प्रकार से है, ये वाला, ये आपका है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप, ये क्या है, यहाँ लिख देता मैं, ये आपका सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, ये देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। सिनाई प्रायद्वीप है वो आपका अफ्रीका का पार्ट है, किसका पार्ट है, अफ्रीका, सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ लिखना, सिनाई प्रायद्वीप है वो अफ्रीका का हिस्सा है। अगर मैं कंट्री की बात करूं तो अफ्रीका के इसका मिस्र का कंट्रोल है, किसके कंट्री के कंट्रोल में है, तो ये मिस्र के कंट्रोल में है। अब ये मैं इसके डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वही सिनाई प्रायद्वीप है कि इसी को काट करके आपकी स्वेज नहर बनाई गई है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो स्वेज नहर जो बनाई गई है इस प्रकार से, तो इसी हिस्से को काट के आपकी स्वेज नहर बनाई गई। तो ये मैं जो रेड कलर से लिखा हूँ ये आपकी कौन सी नहर है, यहाँ लिखता हूँ मैं ये स्वेज नहर, और जो आपको याद ना हो तो मैं जाके लिए बता, 1869 में ये बन के तैयार हुई थी, मतलब 1869 में एक स्टार्ट हो गई थी। और ए वाला आप देखोगे ऊपर भूमध्य सागर है, और ए वाला जो हिस्सा है ए आपका है लाल सागर, कौन सा सागर है, लाल सागर, ये रेड सी है आपका, क्या है ये, रेड सी हो गया आपका। तो ये देखिए आपने यहाँ में वो वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये देखिए भूमध्य सागर है और लाल सागर, क्वेश्चन कैसा बनेगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी जलसंधि या कौन सा पार्ट जोड़ता है, तो आपको जोड़ता कौन सा, स्वेज नहर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है, जोड़ती है। अगर यदि मैं बात करूं कि स्वेज नहर ही एशिया को अफ्रीका से अलग करती, इसी पार्ट को ले सकते हैं, या लाल सागर भी बोल सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि लाल सागर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग भी करता है। देखो तो क्वेश्चन कैसे भी बनेगा इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पूछ कैसा रहा, एग्जामिनर कुछ भी बनाएगा, मैपिंग रख के आजकल जिस प्रकार से ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, आप CDS का पेपर देखो इस बार ज़्यादातर उसने जो पूछा वो भारत के ज्योग्राफी मतलब भारत के भूगोल के क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसने जो क्वेश्चन जो पूछे हैं वो ज़्यादातर इंडिया की मैपिंग के क्वेश्चन पूछे, ना कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था, फिजिकल ज्योग्राफी के थे, वो भी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा। आप उसमें एक नदी पूछी थी किस प्रकार से कि कोई बंदा अगर बैंगलोर में है और बैंगलोर से यात्रा करता है वो नई दिल्ली की, तो उसे कौन सी नदी पार नहीं करनी पड़ेगी, तो एक क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो नदी तो पूछ रहा है लेकिन उसका पूछने का तरीका चेंज है। तो ये देखिए आप, तो ये आपने देखा ये भूमध्य सागर लाल सागर है, स्वेज नहर देख लिए। अब मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं
ऐसे ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है पूरा क्या आएगा, अटलांटिक महासागर है। ये वाला हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाता है और ये वाला हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। जब यही चीज इस वाले हिस्से में आई है, जैसे ये स्पेन है, फ्रांस है, यहाँ पे जब एक स्वेज नहर है, यहाँ पे मतलब एक जलसंधि है, जो जैसे कोई भी क्या होता था, जैसे कोई जहाज आता है तो आज वो एंट्री करके इस प्रकार से लाल सागर स्वेज नहर भूमध्य सागर और एंट्री करते हुए जैसे उसको स्पेन जाना है, फ्रांस जाना है, या ऊपर की ओर स्कैंडिनेवियाई कंट्री है जो यूरोपियन कंट्री है, जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो उन कंट्रियों में जाना, तो इस प्रकार से, तो पहले क्या होता था, इंडिया से अगर कोई जहाज आ रहा इस प्रकार से पूरा चक्कर लगा के जाता था, मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाता था उसको। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं आपका ये जो जलसंधि है जो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती भी है और अलग करती है। अगर मैं यहाँ पे जलसंधि की बात करूँ तो यहाँ पे इस वाले हिस्से पे मतलब अटलांटिक महासागर से भूमध्य महासागर को जोड़ती है और अलग किस किस को करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो इस जलसंधि का नाम है आपकी जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। ये देखिए तो क्या होगी, जिब्राल्टर जल संधि। इसे हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। इस सब एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे भी। तो अभी मैं सारी की सारी वाटर बॉडी की बात कर रहा, बेसिक मैप की बात कर रहा। अब ये देखिए आप यहाँ पे, तो ये देखा आपने कि तो क्वेश्चन कैसा बनेगा आपसे कि जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को किससे, अटलांटिक महासागर से, अलग किसको करती है, यूरोप को, और किससे, आपका यूरोप से किसको अलग करती है, आपका अफ्रीका से। अगर मैं यही बात इसी परिप्रेक्ष्य में देखूं तो इस तरफ कौन सा कंट्री आएगा, तो देखो ये वाला जो कंट्री है यहाँ पे, जो अफ्रीका का कंट्री है यहाँ पे है मोरक्को कंट्री। तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता है जैसे नहीं दे, वो फ्रांस और मोरक्को को अलग करती है, किसको अलग करती है आपका, मतलब कि ये वाला हिस्सा आएगा जो, वो आपका क्या पूछ लेगा कि किस किस को अलग करती है, तो आपका स्पेशल जो यहाँ पे जो पूछा जाएगा तो किसको, जैसे यहाँ पे सॉरी थोड़ा इसको मैं ऐसा बढ़ा दूँ कि ये आपका स्पेन ऐसा है यहाँ तक फ्रांस ऊपर, तो किसको अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से। तो ये भी चीज़ याद रखना, किस किस को, स्पेन को मोरक्को से, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ सारी की सारी आप चीज़ें याद रखना। इसके बाद फिर मैं आगे आता हूँ, ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो आपने यहाँ तक ये इतना देखा कि ये बेसिक जो जाना, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू हम आगे चल रहे हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मैं कंट्रियों की बात करूँगा। अगर यहाँ पे अगर मैं कंट्रियों की बात करूँ, जैसे यहाँ पे एक दो जलसंधि और है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये यमन है, यमन के नीचे यहाँ पे मिलेगी अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर ये जो बीच में जो झुकाव देख रहे हैं ये वाले हिस्से पे, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है और ऐसे करके एंट्री लेता है, और जब ये एंट्री लेगा तो अदन की खाड़ी, अदन खाड़ी के बाद फिर जाएगा हिंद महासागर में। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं बाब अल मंडेब। बाबल मंडेब जलसंधि, तो ये भी जलसंधि है। अब जलसंधि मतलब जो दो पानी, मतलब दो वाटर वाले पार्ट को जोड़े ऐड करें। देखो जिस जो भी नए स्टूडेंट हो, मैं एक बार बता दूं, अगर उनको डाउट हो रहा हो, क्योंकि जो नए नए जैसे आजकल क्या रहता है, जैसे नए स्टूडेंट बीच में जो जुड़े होते तो उनको ये समझ में नहीं आता कि जल संधि क्या, स्थल संधि क्या। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने उत्तर अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट पढ़ाए, ऑस्ट्रेलिया जितने भी पढ़ाए, तो ज़्यादातर लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, और मैंने ये चीज़ उत्तर अमेरिका बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस की है, जल संधि क्या है और स्थल संधि क्या है। आप वहाँ जाकर के ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जल संधि वह भाग कहलाता है जो दो जल वाले भाग को जोड़ती है और स्थल वाले भाग को अलग करती है, और स्थल संधि वह भाग जो दो स्थल वाले भाग को जोड़ती है और दो जल वाले भाग को अलग करती है। तो ये सब चीज़ें आप देखो, तो ये देखिए कि जल वाले भाग को जोड़ रही है। देखिए यहाँ पे लाल सागर को किससे जोड़ रही है, अदन की खाड़ी से। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, किसको जोड़ रही है, लाल सागर से अदन, तो बाबल मंडेब, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कंट्रियों की, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक देश मिलेगा आपको ऐसे करके,
तो ए है आपका मिस्र, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इजिप्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट। इंग्लिश में ज्यादा नाम इसका फेमस है, इजिप्ट। तो ये मिस्र है। अब मैं इसी के आगे बात करूंगा, अगर इसमें एक कंट्री फिर आपका और यहां से देखने को मिलेगा, यहां पे ऐसे करके ये वाला, ये आपका है लीबिया। ये क्या है? लीबिया। ये क्या मिल गया? लीबिया है। ठीक है, तो ये आगे वाला आपको लीबिया। इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बात करता हूँ, यहाँ वाले हिस्से पे आप देखना, यहाँ पे ऐसे करके है, ऐसे यहाँ मिलेगा आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं और बात करूँ, यहाँ पे एक कंट्री यहाँ से मिलेगा इस प्रकार से फैलाए किनारे से, और इसका नाम है ए वाला, इस प्रकार से है ए। ए है आपका मोरक्को, मोरक्को, ठीक है। और एक यहाँ पे छोटा सा कंट्री है जो अल्जीरिया और लीबिया के बीच में, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे, और इसका नाम है ट्यूनिस या ट्यूनिसिया। क्या नाम है? ट्यूनिसिया। अब देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ बनता है, क्वेश्चन आएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के उन देशों के नाम बताइए, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उन कंट्रियों के नाम आप बताइए जिनका बॉर्डर भूमध्य सागर से लगता है। क्या कहेगा? अफ्रीका महाद्वीप के उन देशों के नाम बताइए जिनका बॉर्डर या जिनका जो सीमा है वो भूमध्य सागर से टच होती है। तो आप कितने देश बताओगे? पांच देशों के नाम बताओगे, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और क्या बताओगे? मिस्र। क्या क्या? चाहे आप देखो कुछ भी पूछ सकता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, किसी भी क्रम में लगाने के लिए बोल सकता है वो आपको। जैसे पूरब से पश्चिम क्रम में दे दे, या पश्चिम से पूरब क्रम में दे दे, आप किसी भी क्रम में इनको लगा सकते हो। जैसे उनने कहा पूरब से पश्चिम लगाई, तो मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और आपका क्या हो जाएगा? मोरक्को। और एक कंट्री है जो यहाँ से आपकी क्या कर्क रेखा भी निकलती है, मैं बताऊंगा ये सब कंट्रियों के, आपको नाम भी बता दूंगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखा आपने मेरे साथ इन कंट्रियों को कि कौन कौन से कंट्री हैं, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को। अगर मैं बात करूँ इनकी राजधानियों की, तो मिस्र की राजधानी यहाँ पे एकदम किनारे पे, जिसका नाम है काहिरा। क्या नाम है? काहिरा। और कई कई किताबों में इसका जो नाम मिलता है, तो कहीं कहीं इनकी इनका इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है इसका कायरो। क्या मिलता है? कायरो। अब मैं बात करूं, अगर ये है मिस्र की राजधानी काहिरा, और कायरो भी मिलता है, तो आप लिख लेना यहाँ पे कायरो। अलग अलग नाम मिलते हैं, बाकी काहिरा इंपोर्टेंट है। लीबिया की जो राजधानी, ये भी किनारे पे है, त्रिपोली, त्रिपोली। और आपके अगर मैं ट्यूनेशिया की बात करूं, तो ट्यूनेशिया की जो राजधानी, ये किनारे पे है एकदम, ट्यूनिस, ट्यूनिस। अल्जीरिया की राजधानी की बात करूं, तो अल्जीरिया की जो राजधानी वो अल्जीरियस है, अल्जीरियस। ये भी किनारे पे है, सब किनारे पे ज्यादातर, अल्जीरियस। अब मैं मोरक्को की बात करूं, तो मोरक्को की राजधानी भी किनारे पे यहां पे है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि मोरक्को वो पूर्णतः मतलब सागर में स्थित नहीं है, लेकिन एक क्या है, बंदरगाह है, और इसका नाम है आपका रबात। क्या नाम है? इसका नाम है आपका रबात। ये क्या है? C4 कैपिटल, एक कैपिटल है। तो ये आपने जाना मेरे साथ यहाँ पे काहिरा, त्रिपोली, ट्यूनिस, अल्जीयर्स, और आपको क्या जाना? और रबात। मैं मोरक्को के लिए थोड़ा सा बता दूं, जो हमने जो अभी प्रेजेंट में जो बॉलीवुड में बहुत फेमस डांसर भी है, और अभी एक एक्ट्रेस भी है, कई मूवियों में उनने अपना किरदार भी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और ये बोलो आइटम सॉन्ग पे ज़्यादातर डांस करती हैं, तो वो एक्ट्रेस जो बिलोंग करती है इसी मोरक्को से करती हैं, उनका नाम है नूरा फतेही। नूरा फतेही इसी मोरक्को कंट्री से बिलोंग करती है, तो याद रखना, आपकी याददाश्त के लिए बता दें, जैसे कंट्रियाँ जब याद करोगे तो उसका भी नाम याद आ जाएगा। तो ये आपने मेरे साथ देखा मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, तो ये पांच जो कंट्री हैं जिनका बॉर्डर भूमध्य सागर से लगता है।
अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। क्या देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ए कौन सा, ए आपका भूमध्य सागर है और इस तरफ आपका कौन सा है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। इकलौते तीन देश ऐसे हैं जिनके बॉर्डर, जिनके मतलब बॉर्डर दो महासागरों से लगते हैं, मतलब दो वाटर बॉडी के साथ लगते हैं। तो वो ही वही आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पे, किस किस के साथ, अटलांटिक प्लस और भूमध्य सागर, मतलब इन दोनों वाटर बॉडी, जो भूमध्य सागर और जो अटलांटिक महासागर है, इन दोनों की सीमा है उन कंट्रियों को टच करती, बाकी सभी अगर देखा जाए मतलब दोनों वाटर बॉडीज की सीमा, मतलब वाटर बॉडीज के बॉर्डर को टच करती है। जैसे इसमें मैं स्पेशल बात करूं, जैसे आपका एक तो स्पेन आएगा, दूसरा फ्रांस आ जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरफ आपका मोरक्को आएगा। तो वो तीन कंट्री हैं, एक नाम है आपका इसमें, आपका स्पेन, दूसरा फ्रांस और तीसरा आएगा आपका मोरक्को। तो स्पेन और फ्रांस आपका है ये यूरोप के कंट्री है, तो याद रखना। और ये आपका अफ्रीका कंट्री, कौन सा है, अफ्रीकन कंट्री है अफ्रीका। तो अफ्रीका और यूरोप के तीन कंट्री हैं जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को बॉडी, वाटर बॉडीज को टच करते हैं। ये चीज़ आपने बेसिकली देखी अभी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे और आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे आगे की मैं यहाँ पे बात करता हूँ आप लोगों से। देखो, तो हमने यहाँ पे आपसे बात कर ली थी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखते जाना मेरे साथ, और जो बात मैं नहीं लिख रहा, जो बात मैं यहाँ से यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ या मैप पे समझा रहा, वो भी आप नोट्स बनाते जाइएगा और मेरे साथ लिखते जाइएगा। वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा, वीडियो को स्टॉप करके देखना, ना आए समझ में बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम क्लियर होना थोड़ा डाउट में जाएगा, पहली बार में क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। अब मैं थोड़ा आगे बात करूँ यहाँ पे, देखिए अब मैं इन कंट्रियों की बात करूं, जैसे लाल सागर से पूछे कि लाल सागर से कौन कौन से कंट्रियों का बॉर्डर टच होता है, तो यहाँ पे देखिए लाल सागर से, तो यहाँ पे एक छोटा सा देश मिलेगा आपको यहाँ पे इस प्रकार से, इसका ए वाला इसका नाम है जिबूती। क्या नाम है, जिबूती, इंग्लिश में इसको डी जिबूती बोलते हैं, डी जिबूती, हिंदी में जिबूती है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं तो वो मैपिंग पे देखेंगे जो एटलस है उस पर तो डी जिबूती मिला, आगे डी लगा मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों को जिबूती मिलेगा। तो ये कंट्री कौन सा है, जिबूती है, ये कौन सा है, जिबूती। तो जिबूती जो कंट्री है बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है ए वाले हिस्से का, क्या है, एक छोटा सा एक पार्ट है यहाँ पे, तो आप ये देख लेना। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे जस्ट एक जो कंट्री आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे ऐसे करके मिलेगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा, थोड़ा सेम तो नहीं आएगा ये इतने हिस्से पे, यहाँ पे आपको मिलेगा सूडान, सूडान, क्या मिलेगा, सूडान। तो ये आपको सूडान मिल जाएगा, इसी के नीचे ये मतलब एक सूडान और है, अभी बात करता हूँ मैं उसी को लेकर के। तो ये सूडान मिल जाएगा, और इसमें फिर आपको और यहाँ पे जो देखना है आपको सूडान के साथ साथ, यहाँ पे फिर एक आपको जो कंट्री मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे इस वाले पार्ट में, यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इरिटीरिया, और एक यहाँ पे ऐसे करके, जैसे ये दिख रहे हैं ना हिस्सा ऐसे करके, ये आपका है इथोपिया, ये आपका इथोपिया मिलेगा। और ये जो हिस्सा जो मैंने बनाया है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा ऐसे मिलेगा नीचे तक, ये वाला, ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका सोमालिया, तो ये देखिए आप, यहाँ देखा आपने, देखो जिबूती, इरिटीरिया, ये वाला हिस्सा, ये सींग निकला हुआ है, मतलब जो गाय का सींग या जो मतलब जानवर के सींग की तरह है, इसलिए इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ भी ये भी लिख लेता मैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ मिलेगा, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका
हॉर्न ऑफ, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया वाले हिस्से को कहते हैं। अब कौन कौन से कंट्री आते हैं तो वो भी हम नाम लिख लेंगे इसमें, कौन कौन से कंट्री शामिल है। एक तो आपका जिबूती शामिल है इसमें, इरिटीरिया शामिल है, इथोपिया शामिल है और सोमालिया, मतलब चार कंट्री बने हुए। कितना एकदम, मतलब इसको आप देखोगे तो एकदम एक मतलब गाय के सींग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो सींग की तरह दिखाई देता है, तो इसमें चार कंट्री है, तो चारों के नाम एग्जाम में जो पूछता है ना सीधा लिख देगा कि इनमें से कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नहीं है। क्या देगा, इनमें से कौन सा भाग और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नहीं है। तो देखिए पहला मैंने क्या बोला, यहां पे आपका पहला आएगा जिबूती, ठीक है, दूसरे पे आपका आएगा क्या लिखोगे आप, इरिटीरिया, और थर्ड आप लिखोगे यहां पे, थर्ड आपका आएगा यहां पे इथोपिया, और चौथा आएगा आपका यहां पे ये आपका हुआ सोमालिया। तो ये वाला हिस्सा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया की बात करूं तो एक प्रायद्वीप के समान दिखाई देता है, प्रायद्वीप वह हिस्सा जिसका तीन होर से हिस्सा पानी से गिरा हो या वाटर सराउंडिंग हो, मतलब जो तीनों होर से जो हिस्सा होगा उसको पानी उसको घेरे हुए हो, वह हिस्सा प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला बोलते हैं, इसलिए इसको सोमालिया प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोमालिया प्रायद्वीप। तो ये सब लिखते जाना, क्या कहते हैं इसको, सोमालिया, सोमालियन पेनिनसुला, तो सोमालिया क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो ये देखा, अगर मैं इसके साथ आगे बात करूं, देखो बाबल मंडे वगैरह ये सब आप लिख लेना, मैं जो बता चुका हूं पहले से ये सब चीजें। अब ये देखिए, देखो यहाँ पे सूडान है, इसी के नीचे यहाँ पे एक आपको मिलेगा ऐसे, ये आपका इतना है इथोपिया, यहाँ पे एक सूडान और है, ये आपका उत्तरी सूडान कहलाता, ये वाला आपका दक्षिणी सूडान कहलाता। क्या कहलाता, दक्षिणी सूडान। क्या हुआ था मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुलता जो क्षेत्र है मुस्लिम और मतलब आपका शिया और सुन्नी वाला विवाद था मुस्लिम में, तो यहाँ पे इस हिस्से को जो उत्तरी सूडान में है वो शिया बहुल क्षेत्र, नीचे वाला सुन्नी बहुल क्षेत्र, मतलब ये दोनों क्षेत्र अलग हो गए, पहले एक ही कंट्री हुआ करता था सूडान अकेला, अभी इसको उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के नाम से संबोधित करते हैं। तो क्वेश्चन में जो कभी कभी एक डाउट करने के लिए पूछ लेता है कि ये आपका उत्तरी सूडान है, इसकी कैपिटल पूछ लेता और दक्षिणी सूडान की राजधानियाँ पूछ लेता है, तो इसकी राजधानी आप लिखना, दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, जूबा। क्या है, जूबा। अगर मैं उत्तरी सूडान की बात करूँ तो इसका नाम है खार्तूम, खातून मत लिख लेना ना आप लोग वहाँ पेपर, मतलब जाके नोटबुक में खातून लिख लो, खार्तूम है। आप इसलिए मैं बोला कि मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे एटलस ज़रूर रखना, क्योंकि एटलस रखोगे तो जो चीज़ मैं यहाँ बता रहा उससे आप एटलस पे ज़रूर देखिएगा, तो ये जो चीज़ आप इसको चार पांच बार पढ़ के याद करोगे वही चीज़ आपको एक से दो बार में याद हो जाएगी आराम से। तो ये देखिए क्या है, खार्तूम। तो ये देखा आपने मेरे साथ, अब मैं आगे चलता हूँ इसी चीज़ को लेकर के। तो ये देख लिया आपने, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लिया। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो कंट्री पढ़ाया मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, एक यहाँ पे यहाँ देखना, एक पर्वत श्रृंखला ऐसे फैली हुई है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला फैली है, इसका नाम है आपका एटलस पर्वत। क्या नाम है, एटलस पर्वत। इंपोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एटलस। तो एटलस पर्वत जो है वो आपके तीन कंट्रियों में फैला है, तो उन तीन कंट्रियों के नाम जरूर लिखना, जैसे पहले पे आएगा तीन कंट्रियों में फैला, पहले पे आएगा आपका क्या, मोरक्को, मोरक्को में फैला, दूसरा क्या आएगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया, और तीसरे पे क्या आएगा आपका, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया। क्वेश्चन सीधा आता है, पहले तो आपसे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि एटलस माउंटेन कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है, तो आपका जो एटलस पर्वत है, जो एटलस माउंटेन है, वो आपका कहाँ पे, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर क्वेश्चन और आपको फंसाएगा, थोड़ा डीप जाएगा, तो फिर वो पूछेगा कि किन किन कंट्रियों में ये फैला हुआ है, तो वो आपका ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तीन कंट्रियों में ये आपका मतलब जो पर्वत है ये फैला हुआ है। अब मैं इस थोड़ी सी पर्वत के बारे में डिस्कस कर लूँ कि ये कैसा है। यह एक जू है, इसकी इसकी मैं खासियत बात करूं, इसकी विशेषता फीचर्स की बात करूं, तो ये कैसा है, यह एक
यह एक बलित पर्वत है, कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके पहले के लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, सब बता चुका हूँ। तो क्या है? फोल्ड माउंटेन है। और क्या है इसकी क्वालिटी? यह अल्पाइन समय का है, अल्पाइन समय। और क्या इसका? यह है कार्डिलेरा है। क्या है? कार्डिलेरा समूह का है। अब बात आती है कि सर कार्डिलेरा समूह क्या होता है। कार्डिलेरा में तुम लोगों को इससे पहले आपको बता चुका और पढ़ा भी चुका, कई बार लेक्चरों में डिस्कस भी किया है। अगर मैं बात करूं जैसे कार्डिलेरा की, मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं इंडिया के मैप की बात कर रहा हूं। जैसे आप इंडिया में आप ऊपर वाला पार्ट देखोगे, ये वाला है ग्रेट हिमालय, फिर आओगे आप कौन सा, मिडिल हिमालय, फिर मिलेगा नीचे क्या आपको, शिवालिक। तो ये तीन हिस्से हैं, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। ये तीनों, जब कोई माउंटेन ऐसे तीन पार्ट में लगा हो, तीन हिस्से में इस प्रकार से, तो इस आकृति को, इस प्रकार के ग्रुप को कार्डिलेरा कहते हैं। तो वही एटलस का भी हाल है कि ये भी इसी आकार में लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा, कार्डिलेरा समूह का है। तो दो हिस्से जो इस प्रकार से लगे हों, एक माउंटेन यहाँ लगा है, तो सेकंड वाले का यही आकार है, वही थर्ड वाले का भी ऐसा ही आकार है। तो इस हिस्से को, इस प्रकार के पर्वतों को कार्डिलेरा कहते हैं। और मैप में मैं कई जगह बता चुका कार्डिलेरा पर्वत का, जैसे हिमालय भी एक कार्डिलेरा पर्वत है, ये भी एक फोल्ड माउंटेन है, और ये भी एक अल्पाइन समय का पर्वत है। तो ये सभी एक ही टाइम पीरियड के पर्वत यानी कि माउंटेन बने हुए हैं। तो आपने यहाँ देखा मेरे साथ, अगर मैं इन तीनों कंट्रियों की बात करूँ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, इनको, इन कंट्रियों को, यहाँ पे बर्बर जाति निवास करती। कौन सी? बर्बर, बर्बर जनजाति, जनजाति एक ट्राइब है। तो बर्बर जनजाति यहाँ पे निवास करती है, इसलिए इनको बर्बर देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? बर्बर देश, बर्बर देश मतलब बर्बर कंट्री की भी टाइटल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ आप याद रखना कि बर्बर देश किनको कहते हैं, बर्बर ट्राइब कहाँ पे रहती है। तो इन्हीं तीनों कंट्री, देखो रिलेटेड है, तो मैं अभी कंटिन्यू रिलेट करता जा रहा हूँ, बाकी स्पेशल जब हम अफ्रीका ट्राइबल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जानेंगे, लेकिन अभी ये रिलेट है तो आपको एक साथ याद भी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ जानना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो आपको बेसिक यहाँ पे जो बात कर रहा, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेसिक क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी और बात करूँ कि जो लीबिया जो कंट्री है जिसकी मैं बात किया था, ये आपका लीबिया पेट्रोलियम उत्पादन में, पेट्रोलियम उत्पादन में पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। क्या करता? अगर पूरे जो पूरे देखोगे आप, त्रिपोली है, अल्जीरिया है, ये सब क्या करते हैं, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उत्पाद करते हैं, इसलिए इनको पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री या पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंट्री कहा जाता है। लेकिन इन सब कंट्री में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रोडक्शन करता है तो वो आपका कौन सा करता है, लीबिया करता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्री की बात करता है, ठीक है। तो ये देखा आपने बेसिक चीज़ें। अभी देखो मैं और आगे यहाँ करता हूँ डिस्कस, बहुत सारा करना है, अभी केवल मैं आपको मैपिंग सिखा रहा, बेसिक चीज़ें बता रहा। हाँ, अब थोड़ी सी मैं यहाँ चर्चा कर लूँ जो मुझे पहले करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर पाया, तो वो सुन लीजिए क्या बताना है मुझे आपको, कि अफ्रीका अगर महाद्वीप की मैं बात करूँ तो क्या था कि ये जैसे देखिए ये पूरा मैप जो बना हुआ है, ये पूरा जब यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, विकास नहीं था, ये पूरे देश इस प्रकार से बंद थे, मतलब घना जंगल था, कोई यहाँ नहीं आता जाता था किसी प्रकार का, तो फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसा हुआ। तो जब ये यूरोपियन सबसे पहले डेवलपमेंट किया सऊदी अरेबिया, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट ने और यूरोप ने, तो ये लोग जब ट्रेड करने के लिए आए तो ये किनारे के जो कंट्री थे, इतने किनारे पे बसे हुए थे कोस्टल एरिया पे, इन्हीं कंट्रियों के बारे में इन लोगों को पता चला, मतलब इन्हीं जो किनारे जो हिस्से बटे थे, जो एक पार्ट बने हुए थे, उन्हीं लोग वहीं पे अफ्रीका का विकास हुआ। अगर मैं बात करूँ ये बीच के जो बीच वाला पार्ट था, ये पूरा का पूरा कैसा था, डार्क में था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि अंदर क्या है क्या नहीं। फिर बाद में जब ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी, डेवलपमेंट बढ़ता गया, साइंस ने और विकास किया, तो इसी चीज़ को लेकर के ये लोग पूरे अफ्रीका को एक होड़ सी लग गई कि सबसे पहले हम अफ्रीका पे कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ पे एक टाइटल दिया जाता है, और वो टाइटल दिया जाता है यहाँ पे क्या, यहाँ लिख दिया था मैं अंध महाद्वीप का टाइटल, क्या दिया जाता है, अंध महाद्वीप,
अंध महाद्वीप उपनाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। इंग्लिश में से डार्कनेस बोलेंगे, डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, अंधेरा, एकदम अंधेरा, इसलिए इसको अंधेरा। अब क्वेश्चन आता ना एक बार कि सर बोले मेरे मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट पढ़ा रहा, बोले सर इसको अंधकार क्यों कहा जाता, अंधेरा क्या, अंधेरा ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब इसका जो रिसर्च हुआ है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ बहुत बाद में यहाँ पे ये सब साइंस साइंस पहुँचा हुआ है। आज भी अफ्रीका के अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्रियों में अफ्रीका के ज़्यादातर देश आते हैं, सबसे ज़्यादा भुखमरी गरीबी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि उनको कई महीनों तक खाना नसीब नहीं होता है, तो ये बहुत बेकार कंडीशन अफ्रीका की है। आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई विकास नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके क्षेत्रफल की तो ये क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे, कुछ पोजिशन पे दूसरा स्थान है इसका क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में ज़रूर दूसरे स्थान पर है। और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने हिस्से पर फैला हुआ है, लगभग लगभग 20% भाग पर, तो 20% भाग पर। देखो यहाँ आपने मेरे साथ ये जाना बेसिक बेसिक अफ्रीका इसी चीज़ को लेके वाले, आज हमने देखो उत्तर अफ्रीका के कंट्रियों के बारे में जाना, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ट्यूनेशिया, सूडान, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, इरीटीरिया, जिबूती और सोमालिया, 12 से 15 कंट्रियों के बारे में है हमने बेसिक बेसिक जाना। कल हम इस मतलब फिर हम ऐसे किनारे से उठाएंगे, फिर एक पार्ट ये दक्षिण वाला उठाएंगे, फिर ये वाला पार्ट उठाएंगे, फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे करके एक एक कंट्रियों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में या सारे लेक्चर में इन कंट्रियों को बता पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कंट्री बात करूँ तो अफ्रीका महाद्वीप में 55 कंट्री है, 54 के समथिंग है, 54 कंट्री अफ्रीका ही महाद्वीप में है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कंट्री इसी पार्ट में आते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और इसमें मैं क्या जोड़ूँ, और ये सब चीज़ें आप जो मैंने बोला है ये सब चीज़ें आप यहाँ पर नोट भी कर लेना। अब हम इसी पार्ट को लेकर के नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, आगे इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे साथ में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।